नमस्ते किसान भाइयों, आज बात करेंगे पैराशूट के बारे में, जो BSF कंपनी का एक खरपतवार नाशक है जिसका इस्तेमाल किसान भाई सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द, तूर की फसल में जो भी चौड़ी पत्ती वाली घास होती है उनको मार गिराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करेंगे इसका टेक्निकल क्या है, काम कैसे करता है, डोज कितनी है, कीमत कितनी है और कब इस्तेमाल हमारी फसल पर करना है। इसमें जो टेक्निकल आता है, इमेजा था पर 10% जो SL फॉर्म में आता है, ये सिर्फ अपनी फसल में जितनी भी चौड़ी पत्ती वाली घास होती है वो चौड़ी पत्ती वाली घासों को ही अच्छी तरह से मार के रहता है। हमें इसका इस्तेमाल बुआई के 15 दिनों बाद करना है। जब हमारी फसल 15 दिन की 18 दिन की होगी तब हमारी फसल में 3-4 पत्तियों पर चौड़ी पत्ती वाली घास होंगी, तो इसका इस्तेमाल करने से चौड़ी पत्ती वाली जितनी भी घास है वो पूरे जड़ से मर जाते हैं, हमारी फसल के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। छिड़काव करने के बाद 8 दिनों में आपकी फसल में जितनी भी चौड़ी पत्ती वाले घास होंगे वो पूरे जड़ से मर जाएंगे। इसके साथ आप अपनी फसल में सकड़ी पत्ती होगी तो आप इसके साथ आदामा का एजिल भी मिलाकर छिड़काव करें तो आपकी फसल में सकड़ी पत्ती वाली भी अच्छी घास अच्छी तरह से मर जाती है। छिड़काव करते वक्त फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फ्लैट फैन नोजल से ज़्यादा खरपतवार उसके कवरेज होता अच्छा और मर जाता है। अगर बात करें डोज की तो इसका डोज 400 मिली प्रति एकड़ का है। 150 लीटर पानी में 400 मिली का पैक अच्छी तरह से घुलाकर छिड़काव करें। छिड़काव करते समय मिट्टी में अच्छी नमी होनी चाहिए, फ्लैट फैन नोजल का ही इस्तेमाल करें। रेन फास्टनेस की बात करें तो 2 घंटे का है। छिड़काव को जो पानी लेने वाले हो साफ होना चाहिए, हवा चलते समय इसका छिड़काव ना करें। इसके साथ हम दूसरा कोई भी खरपतवार मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जितनी भी चौड़ी पत्ती वाली घास होती है फसल में वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाती है। धन्यवाद। आप जय किसान चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जवान।